नगर निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलाता और आदर्श नगर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से आदर्श नगर क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक अवैध रूप से निर्मित किए जा रहे भवन को सीज करने का काम किया। उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि अंकुर सोनी नामक व्यक्ति ने बिना सेटबैक छोड़े अवैध रूप से दो भवनों को सम्मिलित कर एक बना दिया, जिसके लिए पूर्व में निगम ने 10H और 10I का नोटिस भी जारी किया। इसके अलावा जिला सतर्कता समिति में भी इसकी शिकायत दर्ज की गई। प्रशासन के आदेश के बाद आज अवैध भवन को सीज करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा रामगंज क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई 3 दुकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ये आदर्श नगर में ये अंकुर जी हैं, अंकुर चौहान, जिन्होंने 2 नक्शे पास कराए थे G+11 के, मौके पे दोनों को ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करके एक मकान बना लिया गया है, सेटबैक भी कवर है। पड़ोसी के द्वारा शिकायत की गई थी, जांच चल रही थी, उसके बाद पड़ोसी ने जिला जो सतर्कता समिति उसमें भी इनकी शिकायत कर रखी है, तो जिला प्रशासन का निर्णय भी था कि इस पर कार्रवाई करें, तो वो और साथ ही अब जो वायलेशन हो रखा है उसको सबको देखते हुए आज इसको सीज करने के लिए हम आए हैं। पहले भी कोई नोटिस दिए थे? बिल्कुल, इसको 10H का नोटिस दिया गया था, 10H के बाद 10I का दिया है, उसके बाद हमने सुनवाई का भी मौका दिया है, सुनवाई उपस्थित नहीं हुए हैं। उसके बाद आज पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आज कितनी जगह कार्रवाई करेगी? ये करीब हमारी इसके बाद 2 जगह और आगे कार्रवाई है, रामगंज में हम कार्रवाई करेंगे। रामगंज में क्या है? दुकानें हैं 3 करीब है, तो उनको बिना सूचना के बनाई गई है, अवैध निर्माण है। इसी तरीके से ये इनका जो है, ये जो बिल्कुल प्लान तो सैंक्शन था, लेकिन इन्होंने भी प्लान के विरुद्ध जा करके इनको कोर्ट से भी मिला हुआ है कि अगर इनका पासशुदा नक्शा है अनुसार काम है तो ठीक है, लेकिन मौके पर वो अनुसार काम है नहीं और वायलेशन है, इसलिए आज सीज किया जाए। आदर्श नगर के अंदर जो बालूपुरा रोड है, यहाँ पर सचिन चौहान और अंकुर चौहान, इनके दोनों नक्शे पास थे, अलग अलग आवासीय नक्शे थे, लेकिन इन्होंने दोनों प्लॉटों को संयुक्त करके निर्माण कर लिया और साथ में उसमें जो सेटबैक एरिया है आगे और पीछे का, सेटबैक क्षेत्र में भी इन्होंने अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। जब इनका कार्य निर्माण का जारी था उस समय भी इनका निर्माण कार्य हमने बंद करवाया था नगर निगम की टीम ने, और उसके बाद में नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 10H और 10I में भी इनको हमने नोटिस भी जारी किए थे। नोटिस जारी करने के बाद में भी जब इन्होंने अवैध निर्माण को भी नहीं हटाया तो हमने इनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया, और सुनवाई में हमने इनको यही मतलब दिया था कि जो इनका अवैध निर्माण है हटा ले, लेकिन ये आप सुनवाई हर भी नहीं आए थे, तो फिर हमने जो हमारे कृषि प्रकरण के अंदर जिला कलेक्ट्रेट के अंदर भी एक परिवाद दर्ज था, तो वहाँ से भी आदेश ना यही हुए थे कि जो प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे, उसी की पालना में आज नगर निगम की टीम ने वो पुलिस जाब्ते के सहयोग से आज इस भवन को हम यहाँ पर सीज कर रहे हैं। आज कितनी जगह सीज करेंगे? इसके बाद में ब्यावर रोड के ऊपर जो HMT के पास में एक दुकान का अवैध निर्माण अभी लॉकडाउन के टाइम में जैसे हुआ है, और 3 दुकानों का भी निर्माण अभी कुछ ही टाइम में जैसे मतलब हुआ है, उन पर भी आज हमारी कार्रवाई करेंगे अभी।